अब सेक्शन लास्ट सेक्शन आता है आफ्टर क्लास। क्लास के बाद हमें क्या करना चाहिए? क्लास के बाद जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं या फिर चलो कहीं बैठ के कुछ खाते हैं। तो अभी इंस्टेंटली जस्ट आफ्टर क्लास हम लोगों को चाहिए, जो 10 मिनट्स होते हैं क्लास जस्ट ख़त्म होने के बाद, इस 10 मिनट्स में जो भी क्लास में हमने पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज़ कर देना चाहिए। फटाफट रिवाइज़ करने से क्या होगा, आपको जितना भी टीचर ने पढ़ाया वो फटाफट आप उसको एकदम से समराइज फॉर्मेट में ला के और अपने दिमाग में यू आर प्रिंटिंग इट इन योर ब्रेन। अगर आपने ये 10 मिनट लूज़ कर दी देन यू आर लूजिंग मे बी इट मे टेक 1 or 2 or 3 hours लेटर ऑन टू रिवाइज द सेम 3 hours क्लास, जिसको अभी तुरंत आप 10 मिनट में फिनिश कर सकते हैं। तो हमेशा क्लास के जस्ट बाद का जो 10 मिनट्स हैं इसको कभी भी हमें लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कॉफ़ी पीने जाना है या मे बी शायद टू गो फॉर सम सपर और ब्रंच, देन वो हम ये 10 मिनट्स यूज़ करने के बाद वी कैन मूव आउट, वी कैन इन्जॉय विद आर फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखें कि क्लास के जस्ट बाद ये 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद क्लास के जस्ट बाद हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेम वही 10 मिनट्स वाला फंडा अपनाएंगे, क्लास के टीचर के आने एंट्री करने के जस्ट 10 मिनट पहले हम लोग उन चीज़ों को फटाफट रिवाइज करेंगे। तो मीन्स अगर हम लोग घर में भी अगर पूरी पढ़ाई किसी कारणवश नहीं हुई है तो वी हैव रिवाइज द सेम लेक्चर ट्वाइस, जस्ट आफ्टर क्लास एंड जस्ट बिफोर नेक्स्ट क्लास। तो ये हमें हमेशा वो बेनिफिट करेगा, क्योंकि जितना हम रिपीट करेंगे उतना हमें लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी अगर टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा है तो उसका एक बहुत साइंटिफिक है, और इसको आप बोल सकते हैं एक बहुत ही हरफन मोला जैसा एक ट्रिक है अपने पास, उसे कैसे करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ाई की इससे एक टॉपिक था वो फिनिश किया, वो फिनिश करने के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, समराइज करेंगे ब्रेन में, उसको फटाफट छोटा छोटा लिख लेंगे, उसको पॉइंट्स में कीवर्ड्स में उसको बोल सकते हैं, कीवर्ड्स में लिखा वो एस्टैब्लिश हो गया, उसको रख दिया। फिर उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आप विद इन 1 week एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको हम लोग फटाफट दोबारा रिवाइज कर लेंगे। देन विद इन 1 month एक महीने के अंदर उसको हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो वी शुड स्पेंड 20 to 30 minutes 20 से 30 मिनट में वो रिवाइज हो जाता है, उसको हम लोग उतना समय दे सकते हैं, उसको रिवाइज करेंगे। देन आफ्टर 6 months और ये उसके बाद हम लोग अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो टाइम स्लोट उतना हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो इससे क्या रहेगा, आपने जो 3-4 घंटे जितने लगाए हैं एक पूरे यूनिट को पढ़ने के लिए, एक पूरे कंसेप्ट को देखने के लिए, उस 3-4 घंटे को हम लोगों ने 10 मिनट में, 15 मिनट में या फिर 20 मिनट में उसको रिवाइज कर करके अपने ब्रेन में उसको इस्टेब्लिश कर लिया, और उसको हमें फिर याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, उसको कभी भी हम भूलेंगे नहीं तो हमेशा याद रहेगा हमें। जब भी हमें कोई भी नोट्स किसी और से बोरो करने होते हैं, जब भी आप किसी और से बोरो करेंगे तो ऑलवेज मेक श्योर यू आर नॉट जस्ट बोरोइंग द नोट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, सिर्फ आपके पास होने चाहिए इसलिए नहीं आप ले रहे हैं। यू शुड ऑलवेज बोरो द नोट्स फ्रॉम द सिंसियर कैंडिडेट्स, जो भी क्लास में बहुत सिंसियर बच्चे हैं, जो बहुत एक्टिव नोट मेकर्स हैं, जो बहुत लेजिबल हैंडराइटिंग में, साफ सुथरा, समझ में आने वाला, यानी बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाते हैं, जितना टीचर ने बताया मतलब वो सारे पॉइंट्स उन्होंने लिख लिए हैं उसके अंदर और कोई भी कीवर्ड उन्होंने मिस नहीं किया है, तो उनके नोट्स आप लेके फटाफट उसको कोशिश कीजिए कि हैंड रिटन नहीं हो, उसको जीरोस करवाने के बजाय, जीरोस करवाना आसान है तो टेम्पटिंग भी है, गए फटाफट जीरोस करवाया और वो हमेशा रखा ही रहेगा आपके पास, आप उसको कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर उसको तुरंत आप हाथ से लिख लेंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे मे बी कॉपी करके उसको, या फिर बुक के साथ उसको पढ़ते हुए साथ में, अगर आप फटाफट उसको बना लेंगे तो हमेशा आपके लिए वो एक एसेट बन के रहेगा, आपको दोबारा से उसको रिवाइज करने का या पेंडिंग टास्क में वो कभी भी नज़र नहीं आएगा आपको। जब भी किसी के नोट्स लें तो तुरंत उनको सेफली वापस कर दें, अपना काम फिनिश करके जितना जल्दी हो सके, बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑनर ऑल्सो, जो भी उसके ऑनर हैं उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव ये बिफोर क्लास, ड्यूरिंग क्लास एंड आफ्टर क्लास, ये जितनी भी टिप्स आपको दी गई हैं ये आपको बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। थोड़ा समराइज कर देते हैं इसको, बिफोर क्लास हमें जितने भी असाइनमेंट है वो फिनिश करना चाहिए, जो भी टॉपिक टीचर पढ़ाने वाला है उसको हमें थोड़ा सा देख के जाना चाहिए। बिफोर क्लास हमें बहुत हैवी फूड नहीं लेना चाहिए, वी शुड डू सम एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करके हमें क्लास में जाना चाहिए। जब हम लोग ड्यूरिंग क्लास की बात करते हैं, ड्यूरिंग क्लास हमें क्लास सारी अटेंड करनी चाहिए, 85% ऑफ द सक्सेस डिपेंड अपॉन हाउ मच वी शो अप। नेक्स्ट इज
हमें एक्टिव नोट्स बनाने चाहिए और हमें क्लास में फर्स्ट सेकंड या थर्ड आगे आगे की रो में बैठना चाहिए, और क्लास में बहुत जल्दी हमें बीच में उठ के नहीं जाना चाहिए। वी शुड सिट इन द क्लास विद अ मूड टू लर्न, हम वो लर्निंग मूड में बैठे क्लास में बैठे रेदर देन कि हमें कोई पढ़ाएगा, इस मूड में बैठे तो इससे हम ज़्यादा ग्रेस्ट कर पाएंगे और हम एक एक्टिव लर्नर की तरह काम कर पाएंगे। जस्ट आफ्टर क्लास हमें वो 10 मिनट्स का स्लॉट इस्तेमाल करना चाहिए, फटाफट हम क्लास को रिवाइज कर लें, और रिवाइज करने के बाद 1 वीक 1 मंथ और उसके बाद एक पर्टिकुलर इंटरवल में हम उसको रिवाइज करते रहें, मे बी 3 मंथ्स 6 मंथ्स ऐसे करके हमें उसको रिवाइज करना चाहिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना हमारे ब्रेन में रिपीटेशन होगी, जितनी रिपीटेशन होगी उतना हम उसको रिटेन और रिकॉल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।